विद वन अनादर योर नॉलेज ऑफ द वर्किंग ऑफ रोबोट्स तो आपको रोबोट की वर्किंग कैसे होती है उसकी नॉलेज के बारे में आपने एक दूसरे से मतलब ग्रुप बनाने हैं फोर और फाइव के तो ये एक्टिविटी आपकी क्लास में हो पाएगी और फिर हम डिस्कस करेंगे कि रोबोट जो है वो क्या क्या काम कर सकते हैं इन ग्रुप्स डिस्कस एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंगस दैट यू फील रोबोट्स किन टू और वो चीज़ें लिखनी हैं जो रोबोट कर सकते हैं लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स दैट यू फील ह्यूमंस कैन डू बट रोबोट्स कैउट और कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जिसे सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं लेकिन रोबोट नहीं कर सकते डू यू थिंक रोबोट्स टू लाइक ह्यूमंस एक्सपीरियंसिस एक्सपीरियंस इमोशंस और इनर कन्फ्लिक्ट डिस्कस क्या आपको लगता है कि ह्यूमंस की तरह जो रोबोट हैं उनकी भी इमोशंस होती हैं उनके भी अंदर कन्फ्लिक्ट चलते हैं कि क्या ये सही है क्या ये गलत है या वो जो भी उनका मास्टर कहे वो कर, करते हैं नाउ रीड द स्टोरी अबाउट दैट हैज ह्यूमन थ्रेट्स अब आपको एक स्टोरी यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ह्यूमन थ्रेट्स हैं यानी ह्यूमन के गुण हैं अ कनिंग स्माल प्लेट ऑन हिज लिप्स एज प्रेम चोपड़ा स्टियर एट द ग्लियरिंग न्योन साइन सुपर रोबोट प्लाजा नियोन साइन क्या होता है बेटा नियोन साइन होता है जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स के आगे या शॉप्स के आगे शोरूम्स के आगे जो उनके नाम लिखा हुआ होता है बाहर तो वो चमकता है उसके अंदर लाइट लगी हुई होती है ना तो उसको हम न्योन साइन कहते हैं न्योन साइन का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइट जो चमकती है ठीक है मतलब वर्डिंग इस तरीके से लिखी होती है कि वो चमकती है तो इसे हम कह सकते हैं कि लाइटेड इलेक्ट्रिक साइन किसी भी शॉप uh, का जैसे आगे लिखा हुआ होता है तो उसको नियन साइन कहते हैं अगर वो चमकेगा सुपर रोबोट्स प्लाजा और उसका नाम क्या था सुपर रोबोट्स प्लाजा मतलब वहाँ पर रोबोट्स मिलते थे उस शॉप के अंदर जो भी आप लगा लो नाउ ही वुड बी एबल टू बाई एन अकम्फ्लेस एकम्प्लेस का मतलब होता है पार्टनर कि अब वो एक पार्टनर को बाय यानी कि खरीद सकता है ही थाट उसने सोचा प्रेम चोपड़ा जो है वो यहाँ पर आ, गया है रोबोट्स प्लाज़ा के अंदर तो कनिंग स्माइल का क्या मतलब है कि उसके मतलब एक धूर्तता वाली जो होती है ना चलाकी वाली स्माइल वो उसके लिप्स पे आ गई कि अब वो एक पार्टनर खरीद सकता है ही थॉट उसने सोचा एज ही क्रॉस द बिजी स्ट्रीट्स टू आर द स्टोर जब उस स्टोर में जा रहा था वो सॉरी क्रॉस्ड द बिजी स्ट्रीट्स जब वो उस स्टोर स्टोर में जाने के लिए बिजी स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा था भीड़ भाड़ वाली स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा था तो उसने सोचा कि अब वो एक पार्टनर को खरीद सकता है श्योरली एन एडैक्यूट इन्वेस्टमेंट ऑफ इज लेटेस्ट लूट लूट का मतलब क्या है कि वो जो ये प्रेम चोपड़ा है ये चोरियाँ करता है ठीक है तो उसकी जो लेटेस्ट चोरी है उसमें वो इन्वेस्टमेंट सही इन्वेस्टमेंट एडेक्वेट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो अपना पार्टनर खरीद के ताकि वो उसके आगे चोरियों में मदद कर सके एंड सुपर रोबोट्स वर बाय फार द बेस्ट एंड द मोस्ट रिनोन फॉर देयर इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस एंड सोफिस्टिकेटेड प्रिसीजन और श्योरली uh, और निश्चित रूप से अगर कहा जाए सॉरी एंड सुपर रोबोट्स वर बाय फार बाय फार का मतलब बहुत ज़्यादा कहीं अधिक और जो सुपर रोबोट्स हैं वो बेस्ट हैं और मोस्ट रिनोड और जाने जाते हैं फॉर दियर इलेक्ट्रिक फंक्शंस जो उनके इलेक्ट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके लिए एंड सोफिस्टिकेटेड प्रिसीजन सोफिस्टिकेटेड मतलब जो हाई क्वालिटी का होता है बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता है तो उसके लिए प्रिसीजन का मतलब जो शुद्धता होती है उनकी जो काम होता है ठीक है तो वो कहता है कि जो uh, uh, मतलब जो uh, ह्यूमन रोबोट्स हैं वो तो सॉरी uh, जो रोबोट्स हैं वो तो वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस होते हैं उनके तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं मे आई हेल्प यू सर ग्रेंड द शॉर्ट इनसाइड द सुपर रोबोट प्लाजा तो जो uh, सेल्समैन होता है उसके अंदर सुपर रो, सुप, रोबोट प्लाजा के अंदर जो स्टोर के अंदर सेल्समैन है वो कहता है कि सर मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ ग्रिंड का मतलब वैसे तो हंसना होता है लेकिन ग्रिंड का मतलब होता है कि बनावटी हंसी जैसे हम किसी शॉप में जाते हैं तो वो कोई हमें देख खुश नहीं होते हैं वो ये देख खुश होते हैं कि हाँ कस्टमर आ गया तो अब उनकी कमाई होगी ठीक तो है तो वो बनावटी हंसी होती है तो बनावटी हंसी हंसते हुए वो छोटे से कद का और जो छोटी छोटी आँख वाला सेल्समैन है वो कहता है वेल प्रेम चोपड़ा अगर रिस्पॉन्डेड नर्वसली एज ही फुल आउट हिज हैंड कर्ची फ्राम इज ट्वीट कॉट एंड डैब्ड एट द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्वेट ऑन हिज फॉरहेड प्रेम चोपड़ा रिस्पोंडेड नर्वसली का मतलब थोड़ा डर के रिस्पोंड करता है एज ही फुल आउट हिज हैंड कर्ची फ्राम इज ट्वीट कोट ट्वीट कॉट होता है जो ऊनी कोट होता है फिर वो अपने ऊनी कोट में से अपना रुमाल निकालता है एंड डैब एट द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्वेट ऑन हिज फॉरहेड और उसके माथे पर जो थोड़े बहुत पसीने uh, की बूंदें हैं उसको वो पूछता है दबाते हुए डैब मतलब दबाते हुए कुछ करना स्ट्रेटनिंग हिज नेक टाई ही रिगेंड हिज कॉन्फिडेंस आई विश टू पर अ रोबोट और अपनी जो उसने टाई बांधी हुई होती है उसको सीधा करते हुए वो कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर और वो कहता है कि मैं एक रोबोट खरीदना चाहता हूँ फॉर हेल्प कंप्लीटेड द सेल्स मैन तो उसकी बात को कंप्लीट करते हुए सेल्समैन ने कहा कि आपकी मदद करने के लिए दैट इज़ आवर स्पेशलिटी यही हमारी स्पेशलिटी है वी मैन्युफैक्चर एफिशिएंट रोबोट्स फॉर इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन कंपनीज प्लम्बिंग एंड क्लीनिंग केयर टेकरस दे आर डिज़ाइन फॉर ओनली स्पेशलाइज्ड वर्क तो वो अब अपने रोबोट्स के बारे में बताना है, बताता है कि हमारी जो हमारे जो स्टोर है हम जो क्या काम करते हैं हम बहुत ही कुशल रोबोट बनाते हैं मैन्युफैक्चर मतलब बनाना निर्माण करना किसी चीज़ का कि इंडस्ट्री के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए प्लम्बिंग क्लिनिंग जो आपको करवाना हो तो हम सब स्पेशलाइज्ड जो रोबोट हैं वो बनाते हैं और बेस्ट वंस आर फॉर कंज्यूमर्स लाइक यू फॉर द होम और हमारे जो सबसे अच्छे रोबोट हैं वो आप जैसे लोगों के लिए ताकि जो घर में आपकी मदद कर सके ही स्पोक लाइक रिकॉर्डेड प्रोग्राम उसने ऐसे बोला जैसे रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है जैसे पहले से ही उनको पता होता है कि क्या कहना है कोई भी कस्टमर आए तो, तो वो उनका पहले से ही लिखी होती है उन्होंने स्क्रिप्ट तो उसी uh, के अकॉर्डिंग उसने बोला यस दैट्स वट आई मीन आई वॉन्ट दैट इज़ वट आई वॉन्ट प्रेम चोपड़ा स्पोक इन अ बिज़नेस लाइक फैशन और फिर प्रेम चोपड़ा ने एक तरह से बिजनेस जैसे वो कोई बड़ा बिजनेस मैन हो इस तरीके का हाँ हाँ मेरा मह, वही मतलब है कि मैं वही चाहता हूँ प्लीज़ कम दिस वे द सेल्स मैन लेट हिम थ्रू अ ब्राइटली लिट रिचली कारपेट गैलरी इंटू अम शेप्ड हॉल ग्लीमिंग विद फ्यूरोसेंट लाइट तो सेल्समैन uh, उसको कहता है कि आइए इस तरफ आइए और फिर वो उसको एक ब्राइटली uh, लिट का मतलब बहुत ही तेज रोशनी वाली और रिचली कारपेटेड गैलरी मतलब जिसमें बहुत अच्छी कारपेट बिछी हुई है ऐसी गैलरी uh, में से उसको कहाँ लेके जाता है इंटू अज़ डोम शेप्ड होल एक गुंबद की तरह का बना हुआ बहुत बड़ा होल uh, में लेके जाता है उसको ग्लीमिंग विद फ्लोरोसेंट लाइट जो बहुत ज़्यादा चमकती हुई लाइट से चम चमचमाता हुआ रूम है वो द राइट कॉर्नर अपियर टू बी क्राउडेड विद रोबोट इन मेटलिक सिल्वर इलेक्ट्रिक ब्लू एंड ग्रीन और जो राइट right कॉर्नर है उसका उस कमरे का उस वो क्या है उसमें अपियर टू बी क्राउडेड विद रोबोट्स उसमें बहुत सारे रोबोट्स हैं क्राउडेड विद मतलब रोबोट्स का वो भरा पड़ा है इन मेटलिक सिल्वर इलेक्ट्रिक ब्लू एंड ग्रीन और उनका जो मतलब कलर है वो इलेक्ट्रिक ब्लू है और ग्रीन है सम आर मूविंग अबाउट एज इफ प्रैक्टिसिंग टू वॉक कुछ इस तरह घूम रही हैं जैसे वो कि चलने की uh, प्रैक्टिस कर रहे हैं वाइल सम स्टूड स्टिल्स स्विस्ट आउट ऑफ ऑपरेशन जबकि कुछ अभी बंद पड़े हैं ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं जस्ट एज प्रेम चोपड़ा स्टेप्ट ऑन द थ्रेश होल्ड ऑफ द वॉल थ्रैश होल्ड का मतलब होता है जो दहलीज होता है कि जैसे ही प्रेम चोपड़ा उस होल की दहलीज पर कदम रखते हैं वन ऑफ द रोबोट स्विफ्टली केम फॉरवर्ड तो एक रोबोट जल्दी से आगे आता है और बोलता है गुड डे सर वेलकम टू सुपर मार्केट सुपर रोबोट्स प्लाजा तो वो कहता है कि सुपर रोबोट क्लाजा में आपके यहाँ वेलकम है वी होप यू योर विजिट हेयर प्रूव्स वर्थ वाइड हमें आशा है कि आपका यहाँ आना लाभदायक सिद्ध होगा यानी आप यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे द सिल्वर रोबोट सैड इन अ मेटलिक वॉइस वो सिल्वर रोबोट ने मेटल की आवाज़ में बोला ब्रिलियंट मुम्बल्ड प्रेम चोपड़ा सम वट बी वाइल्डर बी वाइल्डर होता है कन्फ्यूज तो थोड़ा सा कन्फ्यूज होकर चोपड़ा ने कहा कि बहुत बढ़िया <coughs> द सेल्स मैन गेव अर प्राउड स्माइल एज ई हैडेड टू वर्ड्स एन आइसोलेटेड रोबोट इन मेटेलिक ब्लू अब सेल्स मैन के जो फेस है उसके ऊपर एक प्राउड स्माइल आ गई मतलब जब कस्टमर कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है तो फिर जो सेल्स मैन होता है वो खुशी फील करते हैं तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आई और फिर वो हैडेड टुवर्ड्स यानी कि आगे की तरफ बढ़ा एन आइसोलेटेड रोबोट इन मेटेलिक ब्लू एक अकेला रोबोट खड़ा था और मेटलिक ब्लू कलर का था तो वहाँ पर बढ़ा वो this one is perfectly programmed to function in the household cleaning uh, arranging collecting groceries from the supermarket tending the lawn mailing letters relating your favorite programs on the tv and selecting news of your interest from the paper to isme matlab wo bata raha hai usko ki wo kya kya kaam kar sakta hai वो सारे के सारे कि ये हमने स्पेशली इसी के लिए प्रोग्राम किया है आ, कि आपके घर में काम करेगा क्लीन करेगा अरेंज करेगा ठीक है सुपरमार्केट से आपके लिए सामान लेके आएगा टेंडिंग द लॉन और आपका जो लॉन है उसकी देखभाल करेगा आपके लिए लेटर मेल करेगा ठीक है और आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम भी वो आ, याद रखेगा और आ, सिलेक्टिंग न्यूज़ ऑफ़ योर इंटरेस्ट और जो जो भी आपकी इंटरेस्ट की न्यूज़ है जैसे आपको स्पोर्ट्स पसंद है पॉलिटिक्स पसंद है तो वो वो भी चूज़ करेगा सिलेक्ट करेगा फ्रॉम द पेपर पेपर में से द सेल्स मैन पॉज फॉर ब्रीथ एंड कंटिन्यूड जो सेल्स मैन है फिर वो रुका थोड़ा सांस लेने के लिए और फिर फिर से बोला वो ऑल यू नीड इज अ रिमोट कंट्रोल मोनिटर फॉर कमांड जो आपको जरूरत है जिस चीज की वो सिर्फ कमांड के लिए आपको एक मोनिटर चाहिए यू मीन सिटिंग एट होम आई कैन कमांड द रोबोट इन द सिटी मार्केट आपका कहने का मतलब है कि मैं घर पर बैठा बैठा रोबोट को सिटी मार्केट में कमांड दे सकता हूँ प्रेम चोपड़ा ने पूछा इट ऑपरेट्स विद विद इन अलिमिटेड रेडियस ऑफ हाफ अ किलोमीटर कि ये सिर्फ आधे किलोमीटर के दायरे तक ही जो है ऑपरेशन करेगा यानी अगर आधे किलोमीटर दायरे में है तो ही वो आपके कमांड को सुन सकता है बाय द वे दिस वन इज़ कॉल्ड राम सिंह ज़ीरो सेवन ज़ीरो इसको हम वो उसका नाम बताता है रोबोट का कि इसका नाम है राम सिंह जीरो सेवन ज़ीरो द सेल्स मैन एक्सप्लेन प्रेम चोपड़ा नोटेड नोटिड का मतलब होता है जब हम अपनी गर्दन को हिलाते हैं हिलाना मतलब कि हाँ में सिर हिलाते हैं द सेल्स मैन चेकड ऑन द गेट ग्रिप मोमेंट एंड सम प्रोग्राम फंक्शन फिर जो सेल्समैन होता है वो उसके सारे के सारे गेट होता है मतलब उसकी स्पीड उसकी ग्रिप उसकी मोमेंट सारे प्रोग्राम जो है उसके चेक करता है एवरीथिंग थिंग वॉज वेल ट्यून्ड एंड फिक्स्ड सारी की सारी चीज़ अच्छे से सेट कर दी जाती है आई विल टेक टाइम प्रेम चोपड़ा डिसाइडेड प्रेम चोपड़ा ने डिसाइड किया कि मैं कुछ टाइम लूँगा सर्टेनली सर नॉट एट द सेल्स मैन सेल्स मैन ने हा में से रिलाते हुए कहा कि निश्चित रूप से सर आप टाइम लीजिए इफ़ यू विल कम अलॉन्ग टू द ऑफिस अगर आप सॉरी सॉरी आई विल टेक हिम मैं उसको ही लूंगा जब प्रेम चोपड़ा कहते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है सेल्स um, मैन बोलता है कि ठीक है सर इफ़ यू विल कम अलॉन्ग टू द ऑफिस अगर आप मेरे साथ ऑफिस में आएंगे आई विल एक्सप्लेन टू यू इट्स राम सिंग्स फंक्शन एंड गिव यू द मैनुअल एटसेट्रा तो मैं आपको राम सिंह के फंक्शन और मैनुअल वगैरह दिखा दूंगा और आपको समझा दूंगा श्योर sure, श्योर sure, प्रेम चोपड़ा सेम सेटिस्फाइड विद द डील और अब प्रेम चोपड़ा जो है वो इस डील से बिल्कुल सेटिसफाई था आई मस्ट टेल यू लाइक ओल्ड रोबोट्स एडहरिंग टू द डिसिप्लिन ऑफ रोबोटिक्स राम सिंह हैज इन बिल्ट सिस्टम ऑफ थ्री प्रिंसिपल्स तो अब जो सेल्स मैन होता है वो बताता है उसको कि मैं आपको ये बता दूँ सर कि जित आ, सारे रोबोट्स की तरह एडहरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ पर आ, किसी चीज़ को फॉलो करना स्ट्रिक्टली फॉलो करना तो जो ये राम सिंह है ये रोबोटिक्स के डिसिप्लिन को फॉलो करता है और राम सिंह के अंदर भी ये तीन प्रिंसिपल्स जो हैं उसका सिस्टम इनबिल्ट है मतलब उसके अंदर ही बनाया गया है सबसे पहली चीज़ द रोबोट विल ओबे हिज मास्टर जो रोबोट होता है वो अपने मास्टर को ओबे करता है यानी कि उसकी हर बात मानता है द तो रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमस जो रोबोट है वो ह्यूमन्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं एंड द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ और जो रोबोट है वो अपने आप को नुकसान भी नहीं पहुँचाता है प्रेम चोपड़ा हर्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड इट इम्प्रेस हिम प्रेम चोपड़ा ने सिर्फ पहला ही प्रिंसिपल सुना यानी कि वो अपने मालिक की बात मानते हैं सिर्फ ये उसने सुना और वो इम्प्रेस हो गया ही डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ द अदर टू और दूसरे दूसरे जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर उसने कोई ध्यान नहीं दिया ही नोट इट डिलइटेडली एंड साइंड द सेल डीड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नो मिस यूज ऑफ द रोबोट उसने खुशी से अपना सिर हिलाया और जो कॉन्ट्रैक्ट था उनका उसे साइन कर दिया जिसमें यह लिखा हुआ था कि वो रोबोट का मिस नहीं करेगा ही हैड गॉट अ सर्वेंट एन अकम्पलीस अब उसको अपना एक नौकर भी मिल गया और एक पार्टनर भी मिल गया इफ राम सिंह ज़ीरो सेवन माई रोबोट कैन शॉप फॉर ग्रोसरीज दैन वाई नॉट फॉर द बेटर थिंग्स लाइक ज्वेल्स थोट प्रेम चोपड़ा अब प्रेम चोपड़ा चोर है तो उसको तो उन्ही चीज़ों से मतलब होगा वो सोचता है कि जब राम सिंह जो मेरा रोबोट है वो ग्रोसरी को शॉप कर सकता है तो फिर वो अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे कि ज्वेल्स हैं जैसे मतलब गहने वगैरह है उस वो भी तो वो ले सकता है इन द मार्केट रोबोट्स कैरिंग हैवी पैकेट्स बाइंग थिएटर टिकट्स कैरिंग ग्रॉसरीज टू द कार्स व कॉमन साइट बट स्टिल स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग सर्वेंट्स इन द मार्केट कि मार्केट के अंदर जो रोबोट्स हैं वो हैवी पैकेट मतलब देखे गए हैं कि वो बहुत भारी जो सामान होता है वो उसे उठा रहे होते हैं और थिएटर के टिकट खरीद रहे होते हैं या फिर ग्रोसरीज़ को आ, उठा के कार में रख रहे होते हैं तो ये तो एक कॉमन चीज़ है बट स्टिल स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग सर्वेंट्स लेकिन ये बहुत ही अजीब और बहुत ही मज़ेदार सर्वेंट है राम सिंह जीरो सेवन ज़ीरो वॉज थ्रोली एफिशियट और राम सिंह जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा कुशल होगा विद ट्रेमेंडस स्पीड एंड एक्यूरेसी ही कलेक्टेड द ग्रोसरीज इन टू द शॉपिंग ट्रॉली तो बिल्कुल ही बहुत ही मतलब धमाकेदार स्पीड के साथ और बिल्कुल सही एक्यूरेसी का मतलब बिल्कुल सही परफेक्टली ही कलेक्टेड द ग्रॉसरीज़ उसने ग्रोसरीज़ को कलेक्ट किया एंड इन टू द शॉपिंग ट्रॉली और शॉपिंग ट्रॉली में डाला एंड पोस्ट फॉर द नेक्स्ट कमांड और फिर वो आगे की कमांड के लिए रुक गया आगे के ऑर्डर के लिए यानी जो राम सिंह ने उसको ऑर्डर दिया उसने सारा किया फिर वो नेक्स्ट ऑर्डर के लिए रुक गया भी अब आगे बोलिए टू किलोग्राम्स ऑफ मैंगज़ राइप एंड जूसी कमांडेड प्रेम चोपड़ा फ्रॉम अ डिस्टेंस सींग ह्यूज़ पाइल ऑफ मैंगोज अब राम जो प्रेम चोपड़ा है उसने कुछ दूरी से मैंगो देखे और वो कहता है कि टू किलोग्राम ले आओ मैंग मैंगोज़ के राइप मतलब पके हुए हों और जूसी हों इन नो टाइम राम सिंह जीरो सेवन जीरो हैड सेलेक्टेड द बेस्ट वन और बिल्कुल कुछ ही टाइम में राम सिंह ने सबसे अच्छे आम चुन लिए पे एट द कैश काउंटर अब कैश काउंटर में पे कर दो प्रेम चोपड़ा स्पॉक टू द कमांडर इन टू द कमांडर प्रेम चोपड़ा ने उसको ऑर्डर दिया राम सिंह पॉज राम सिंह रुका टर्न अराउंड फिर वो घूमा एंड स्टॉप एट द एंड ऑफ द क्विक क्यू वेटिंग फॉर हिज टर्न लाइक अ सिविलाइज पर्सन सिटीजन वाइल प्रेम चोपड़ा इंजॉइंग द ग्लैमर एंड फन ऑफ द बिजी शॉपिंग एरिया जो जब राम सिंह ने उसको ऑर्डर दिया कि जाओ पे करके आओ तो जो राम सिंह था वो रुका मुड़ा और uh, uh, फिर वो uh, अपनी बारी के लिए लाइन में खड़ा हो गया जैसे कि एक सभ्य बंदा कोई खड़ा होता है एक अच्छा नागरिक खड़ा होता है वैसे जबकि प्रेम चोपड़ा खड़ा खड़ा इंजॉय कर रहा था जो वो बिजी स्ट्रीट है शॉपिंग एरिया है उसको इन, उसको देखना इंजॉय कर रहा था ही वो रिलेटेड विद दन रोबोट्स एजिलिटी एंड डेफ्टस एजिलिटी तो क्या होती है बेटा जो एक्टिवनेस होती है फुर्तीलापन होता है और डेफ्टनेस का मतलब जो चलाकी होती है कि वो उस रोबोट की आ, फुर्तीली आ, फुर्ती को देखकर और उसकी चलाकी को देखकर बड़ा ही खुश था राम सिंह फॉलोड प्रेम चोपड़ा लाइक अ फेथफुल डॉग व्हेन ही स्टॉप्ड एट गोपाल ज्वेलर्स राम सिंह जो है वो प्रेम चोपड़ा को फॉलो कर रहा था एक वफादार कुत्ते की तरह जब वो गोपाल ज्वेलर्स के आगे रुका थ्रो द ग्लास विंडो ही सा जेनरस डिस्प्ले ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स और फिर उसने एक शीशे की विंडो में से एक बहुत ही सुंदर गोल्ड का ऑर्नामेंट देखा क्विकली प्रेम चोपड़ा डिसअपियर्ड अराउंड द कॉर्नर और जल्दी से जो प्रेम चोपड़ा है वो उस कोने से गायब हो गया एंड स्पोक इन टू द रिमोट कंट्रोल और फिर रिमोट कंट्रोल में से बोला सॉफ्टली एंड क्लियरली बिल्कुल आराम से और बिल्कुल क्लियरली बोला पिक अप अ नेकलेस एंड हाइड एक आ, आ, हार उठाओ और छुपा लो नो no नोइ कोई आवाज़ नहीं इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी को बतानी नहीं रिवील का मतलब होता है किसी को बताना टॉप सीक्रेट है ये अदरवाइज़ आई विल डिफ्यूज़ योर सिस्टम ही थ्रेटन तो उसने उस रोबोट को डराया कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की या इसको खोला इस सीक्रेट को तो मैं तुम्हारा सिस्टम डिफ्यूज़ कर दूंगा राम सिंह मूवड इन साइड द शॉप क्लोज टू द काउंटर फिर राम सिंह जो है वो काउंटर की तरफ आ, गया ही इज मेटलिक पाम एक्सटेंडेड फारवर्ड जो उसकी मेटलिक जो पाम थी उसकी जो हथेली थी वो आगे की ओर बढ़ी एंड अ नेकलेस वेंट इनटू द स्टोरेज यूनिट विदाउट अ क्लिंक और अ जिंगल और बिना किसी आवाज़ किए जो नेकलेस था उसकी स्टोरेज यूनिट के अंदर चला गया नो बडी टुक नोटिस किसी ने नहीं, नहीं देखा द ज्वेलर वॉज कन्वर्सिंग विद कस्टमर जो ज्वेलर था वो एक कस्टमर के साथ बात कर रहा था प्रेम चोपड़ा हैड सीन द ऑपरेशन थ्रू हिज बायनर्स बायनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन और फिर जो काम कर रहा था वो जो रोबोट काम कर रहा था उसको उसने अपनी दूरबीन से वो देखता रहा हिट अलोंग पर्फ ऑफ ऑन हिस्सिब्रेट राम सिंह जीरो सेवन जीरो मूव आउट और फिर जो कुछ भी वो राम सिंह कर रहा था उससे वो बड़ा खुश होके उसने अपना सिगरेट का एक बड़ा कश लिया सेलिब्रेट करने के लिए फ्रॉम एक्सपेंसिव एंटिक्स ऑर्नामेंट्स एंड प्रीशिय स्टोन्स कि एंटिक्स क्या होती हैं बेटा जो महंगी और पुरानी चीज़ें होती हैं कि उस महंगी चीज़ों आ, से फिर वो ऑर्नामेंट्स की तरफ बढ़ा गहनों की तरफ एंड पीसीस स्टोन और जो कीमती पत्थर होते हैं उनकी तरफ बढ़ता रहा द शॉप लिफ्टिंग वेंट ऑन विदाउट एनी ट्रेस ऑफ एंजाइटी एंड रिकोगनीशन इन द बिगनिंग तो शुरू में जब राम सिंह ने यह काम करना शुरू किया तो जो वो शॉप लिफ्टिंग का मतलब होता है चोरी से दुकान दुकान को चोरी करना तो वो उठाता जा रहा था और जो शुरू में तो ये जो चोरी थी ये ऐसे ही चलती रही किसी बिना किसी एन्जाइटी का मतलब चिंता से या शुरू में किसी ने उसको पहचाना नहीं बट द कन्फ्यूज रिएक्शंस ऑफ शॉप ओनर्स ग्रेजुअली बिकेम लाउडर लेकिन जो कन्फ्यूज़न था शॉप ओनर का कि ये चीज़ें अपने आप गायब कैसे हो रही है जाग आ रही हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया अनअवेयर प्रेम चोपड़ा वेंट ऑन विद हिज शॉप लिफ्टिंग स्प्री और जो प्रेम चोपड़ा है वो उसको पता ही नहीं है कि वहाँ पर मतलब उसको पता लग गया है जो ज्वेलर है तो वो इस बात से अनअवेयर है तो वो वेंट ऑन विद शॉप शॉपलिफ्टिंग स्प्री वो अपने इस मौज मस्ती वाली जो जिस तरीके से वो दुकान की चोरी कर रहा है वो चलता रहता है अनटिल अ यंग फ्रूट वेंडर नोटिस एंड एक्सपेंसिव बंच ऑफ अफगानिक ग्रेप्स डिसअपियरिंग इनसाइड द मेटलिक ग्लू रोबोट जब तक कि एक यंग फ्रूट वेंडर जो रेडी वाला होता है एक फ्रूट वाला वो नोटिस नहीं कर लेता कि किस तरीके से एक महंगा जो अफगानी ग्रेप्स का बंच है वो उस मेटलिक रोबोट के अंदर जाकर गायब हो रहा है द इंसिडेंट वॉज रिलेटेड ऑल ओवर और जो ये इंसिडेंट था वो धीरे धीरे हर जगह फैल गया एंड नो सूनर हैड हर्ड दैट शॉपकीपर्स रिकार्ड द प्रेजेंस ऑफ अ मेटलिक ब्लू रोबोट इन दियर शॉप्स वेन दे फाउंड दियर वैल्यूएबल्स मिसिंग और जल्दी ही शॉपकीपर्स को ये ध्यान आ गया उनको रिकॉर्ड मतलब उनको रिमाइंड हो गया कि जब ये सारी की सारी चीज़ें उठ रही थी तो वहाँ पर एक मेटलिक ब्लू रोबोट था उनकी शॉप में दिस इन्फॉर्मेशन रीज द पुलिस क्वार्टर्स इन नो टाइम और जल्दी से ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये पुलिस के पास भी पहुँच गई वन डे प्रेम चोपड़ा गाइडेड राम सिंह ज़ीरो सेवन जीरो टू जावे जावेली ब्रदर्स फॉर लिफ्टिंग प्रीशियस जेम्स फिर एक दिन प्रेम चोपड़ा ने राम सिंह को गाइड किया कि वो जावेली ब्रदर्स में से जो कीमती पत्थर है वो उठा ले द पुलिस रिमेंड इन रेडिनेस जो पुलिस थी वो तैयार थी एंड द कंप्यूटराइज कैमराज लगाए गए थे वहाँ पर कैपेबल ऑफ स्प्लिट सेकेंड रिकॉर्डिंग स्प्लिट का मतलब टुकड़ों मतलब अलग अलग जगह लगाया हुआ था उन्होंने कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए क्लिकिंग हिम इन द एक्ट तो उन्होंने उसको वो काम करते हुए देख लिया राम सिंह रोबोट वर्स कोर्ट राम सिंह का जो राम सिंह रोबोट था पकड़ा गया बट प्रेम चोपड़ा फ्लड एज सुन एज ही सा थ्रू द बाइकुलर्स टू परसन नोटिंग डाउन राम सिंह लाइसेंस नंबर लेकिन जो प्रेम चोपड़ा था जैसे ही उसने अपने दूरबीन में से देखा कि भी हाँ वो तो पकड़ा गया है तो वो फ्लैड का मतलब वहाँ से भाग गया आम, जब उसने देखा कि टू पर्सन नोटिंग डाउन राम सिंह लाइसेंस नंबर कि दो लोग हैं जो राम सिंह का लाइसेंस नंबर नोट कर रहे हैं प्रिंटेड ऑन हिज मेटलिक नेक जो कि उसकी नेक पर बना हुआ था अब uh, आज के लिए इतना ही इसके फोर पेजेस आज हमने पढ़ लिए हैं फोर पेजेस हम अगली वीडियो में करेंगे चल देन बाय बाय